ये हमारा गर्मा गर्म रागी मिल्कशेक बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी मिल्कशेक होता है। ये देखिए कितना हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार हुआ है हमारा रागी मिल्कशेक। रागी मिल्कशेक बहुत ही हेल्दी शेक है। ये वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं उनको रागी शेक बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं ये हमने रागी मिल्कशेक कैसे बनाया है। नमस्कार, मैं श्रुति पांडे कानपुर किचन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी मिल्कशेक। अगर आपको हमारा रागी शेक का वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। रागी मिल्कशेक बनाने के लिए हमने रागी फ्लार लिया है, 1 गिलास दूध लिया है, 1 गिलास पानी लिया है और गुड़ लिया है। रागी मिल्कशेक को हमने इस तरह के ये रागी फ्लावर से बनाया है। इस तरह का पैकेट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप आराम से बना सकते हैं। ये रागी फ्लावर बहुत ही हेल्दी फ्लावर होता है। रागी फ्लावर को नचनी भी कहते हैं और फिंगर मिलेट भी कहते हैं। रागी मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक भगोने में ये 1 गिलास पानी जो लिया था इसको मैं आधा गिलास पानी डालूंगी, इतना मैंने रोक लिया है। पानी को मैं 2 गिलास रागी मिल्क शेक बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया है और 1 गिलास पानी लिया है। आधा गिलास पानी मैंने भगोने में डाला है। अब मैं इसमें मैंने ये जो जागरी लिया है, गुड़ लिया है, गुड़ कहते हैं, जागरी कहते हैं, ये जागरी मैं इसमें डाल दूंगी, इसको मेल्ट होने दूंगी मैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए होता है तो आप ज़्यादा गुड़ भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं ये वेट लॉस के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। जागरी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इसमें अब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। 2 गिलास रागी शेक के लिए मैं ये 2 चम्मच, 2 बड़ी चम्मच मैं रागी फ्लार ले रही हूँ। ये जो मैंने इस ये लिया है रागी फ्लार, इसको मैं इसी में ऐसे पानी डाल के इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी, बिल्कुल लम्स ना रहे इसमें। देखिए ये जो मैंने आधा गिलास पानी लिया था इसको मैंने इसमें डाल करके ये ऐसे इसको घोल लिया है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं, अभी इसमें इतना इतना पानी बचा है। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इसको पानी में घोल करके ही डालिए, उससे क्या होता है इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। ये जो पानी बचा था ये भी इसी में डाल दूंगी। अब मैं इसको ऐसे गैस की फ्लेम को तेज कर दूंगी और इसको चलाते चलाते इसको पकाऊंगी। ये देखिए 1 ही मिनट हो गया है, ये अच्छी तरह से पक गया है। इसमें देखिए शाइनिंग सी आने लगी है, देखिए पास से मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी शाइनिंग इसमें आ रही है। अब ये हमारा रागी ये फ्लार पक गया है, अच्छी तरह से बन गया है। ये जो मैंने 1 गिलास दूध लिया था इसको मैं डालूँगी। अब इसको ऐसे मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए मैं इसको ऐसे भी दूध डाला है तो अब इसको मैं ऐसे चलाते चलाते पकाते जाऊँगी, बॉयल आने दूँगी। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसमें बॉयल आ गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। ये अब हमारा रागी शेक बनके तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये गर्म होता है तो थोड़ा सा पतला होता है और जब ये जैसे जैसे ठंडा होता है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती जाती है। ये देखिए हमारा रागी मिल्क शेक बनके तैयार हुआ है। इसको हमने बादाम के टुकड़ों से गार्निश किया है। अगर आपको हमारा रागी मिल्क शेक का वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके पास में एक बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे पहले आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं और उसमें कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कानपुर किचन।